बजाज ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल जो आने वाली है उसको एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो कि पुणे के हाईवे पे इसको टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, क्योंकि ट्रायम्फ कंपनी बजाज कंपनी से कोलैब करके अपनी एक अफोर्डेबल रेंज वाली स्क्रैम्बलर बाइक, रोस्टर बाइक और भी अलग अलग सेगमेंट में बाइक्स लॉन्च करने वाली इंडियन मार्केट में, जिसकी टेस्टिंग पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसके ऊपर मैंने पहले से काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जो नया वीडियो निकल के आया है वहाँ पे एक बार फिर से इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो कि ये रोडस्टर बाइक है। तो यहाँ पे क्या जानकारी निकल के आती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लुक और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल पीस सीट मिल जाती है जैसे कि आपको रोडस्टर बाइक में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें पीछे ग्रेबेल दिया गया है। इसके अलावा इसमें अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें दूसरे साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। और वहीं फ्रंट से लुक के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको राउंड शेप का हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, और इसके हैंडल बार एंड पे आपको रियर व्यू मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ ये बजाज कंपनी की रोस्टर बाइक आने वाली है। बाकी जो रेंज होगी वो 250 से लेकर 500 सी सेगमेंट में कंपनी अपने अलग अलग मॉडल्स निकालने वाली है, और ट्रायम्फ कंपनी बजाज से इसीलिए कोलैब करी है जिससे कि वो रॉयल एनफील्ड को 350 सी सेगमेंट में जो मोटरसाइकिल्स आते हैं उसको टक्कर दे सके, क्योंकि इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड का इस समय काफी क्रेज है। 350 सीसी में जितनी उसके बाइक हैं काफी अच्छी सेल चल रही है। तो ऐसे में ट्रायम्फ कंपनी बजाज कंपनी के साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड की जो शेयर है उसको घटाना चाहती है। इसके अलावा जो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल आएगी बजाज के साथ, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। लिक्विड कूलिंग आपको इंजन देखने को मिलेगी, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेगा ही। बाकी अगर 250 सी सेगमेंट में आती है तो लगभग आपको 30 HP का पावर, और 350 सी सेगमेंट में आती है तो 40 HP का पावर आपको देखने को मिल सकता है। तो पावरफुल बाइक आपको देखने को मिलेगी। वैसे ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल प्रीमियम सेगमेंट में आती है, लेकिन बजाज के साथ आने वाली है तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस भी देखने को मिलेगा। 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के रेंज में मोटरसाइकिल्स आने वाले हैं। इसके अलावा इस इमेज में आप देख सकते हैं अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन भी देखने को मिल रही है। तो आपके हिसाब से जो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल आने वाली है उसकी प्राइस किस रेंज में रखी जानी चाहिए और किस सेगमेंट में कंपनी को पहले लॉन्च करना चाहिए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, जितनी भी जानकारी निकल के आई है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।